धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। आज इस सदन में जीएसटी के 4 बिल टेबल किए गए हैं, जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हूँ। जीएसटी लागू करने की पहल 2006-07 के बजट में पहली बार तत्कालीन फाइनल मिनिस्टर ने की थी। इस जीएसटी बिल को बनाने के लिए और यहाँ तक फाइनल तक लाने के लिए 10 साल बीत गए, जिसमें बहुत से समितियाँ बनाई गई और मान्यवरों का मार्गदर्शन लेकर यह बिल हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और फाइनेंस मिनिस्टर के अथक परिश्रम से ये मुकाम तक ये बिल पहुंचा है, जो कि 1 जुलाई 2017 से रोल आउट करने के अपने आखिर पड़ाव में है। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, जिसमें से 76 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें से भी 61 लाख लोग के सैलरी है। एक बड़ी बात डिमोनिटाइजेशन करने के बाद सामने आई है। डिमोनिटाइजेशन ने देश की शैडो इकोनॉमिक को एक बड़ा झटका दिया है और डिजिटलाइजेशन लेस कैश ने देश की इकोनॉमिक को बढ़ाने की एक पहल की है। डिमोनिटाइजेशन की ज़रूरत इस देश को तथा इंडियन इकोनॉमिकल को लार्जर इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी था, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटबंदी करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसका इस देश की जनता ने स्वागत किया। डिमोनिटाइजेशन का फायदा वह जीएसटी को अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स में बड़ी मात्रा में बदलाव है और जीएसटी के रोल आउट करने से इस देश की इकोनॉमी विश्व स्तर पर ले जाने की तरफ बढ़ने वाला एक यशस्वी कदम है। हमारी सरकार जीएसटी 1 जुलाई 2017 से रोल आउट करने के लिए तैयार है और इस प्रस्तावित जीएसटी बिल में इंडियन इकोनॉमी में 2% जीएसटी बढ़ने की संभावना है। पार्लियामेंट और देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग स्वीकृत से यह जीएसटी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक टैक्स प्रणाली मार्केट होगा, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी टैक्स पद्धति को इस अंतिम पड़ाव में लाने के लिए सरकार ने आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल बनाने का निर्णय लिया है। इस जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य के साथ बैठक और उनके सारे सवाल के समाधान करने से बहुत राज्य सरकार ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश इस जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार को की है। इन सभी राज्यों के सहमति से एक जीएसटी नेटवर्क की भी स्थापना की है, जो एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी और जीएसटी रोल आउट करने के लिए स्टेट और राज्य केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को ये सहायता करेगी। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के लिए 5 टैक्स स्लैब के तैयार किए हैं, जो 0%, 5%, 12%, 18%, 21% का प्रावधान किया है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट को मैक्सिमम स्लैब की प्रोविजन भी इस बिल के माध्यम से की हुई है, कि जिसमें 20% सेंट्रल जीएसटी लॉ के लिए है और 40% इंटीग्रेट जीएसटी लॉ के लिए प्रस्तावित है। यह प्रावधान भविष्य में जिन राज्यों को नुकसान होगा उनके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया गया है, लेकिन अभी जीएसटी के पांच ही स्लैब हो गए। इंटीग्रेट टैक्स में बड़ी मात्रा में बदलाव, जिसका महत्व केंद्र बिंदु ग्राहक को मान के किया है। जीएसटी कर प्रणाली से सीधा फायदा आम जनता को मिलने का अंदाज है, क्योंकि पूरे देश में एक वस्तु के लिए एक टैक्स होगा, जिससे रोज लगने वाली वस्तु की कीमतें कम होगी। सभापति महोदय, जीएसटी ड्राफ्ट करते समय लैंड लीजिंग तथा लीटिंग आउट फॉर बिल्डिंग, जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये सर्विसेज के दायरे में रखने से जीएसटी आकर्षित होता है। इस प्रस्तावित जीएसटी बिल में सामान्य जनता के लिए ऐसी सभी लैंड, हाउस, बिल्डिंग, इनमूवेबल प्रॉपर्टी सेल जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान, जो सामान्य जनता के हित में है, फाइनेंस मिनिस्टर ने उठाया हुआ बड़ा कदम है।
मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से ये स्पष्ट रूप से जानना है कि आम तौर पे किसान खेती करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड एक तरीके से लीजिंग ही करते हैं, क्या किसान को भी इस एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग के लिए जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग से जीएसटी टैक्स से मुक्त किया जाएगा। इन राज्यों को मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी कोस्टल लाइन है जिससे समुद्र में 12 सागरी मील तक व्यापार से अच्छे अमाउंट टैक्स कलेक्शन स्टेट को होता है। इस जीएसटी बिल में यह अधिकार इंटीग्रेट जीएसटी के हक में जाने की संभावना सभी राज्यों के लिए चिंता का एक विषय है। ऐसे सभी राज्यों में यह टैक्स कलेक्शन राज्य का रेवेन्यू मानने की मांग की है। क्या माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस राज्य के रेवेन्यू के बारे में स्पष्ट रूप से खुलासा करेंगे और राज्य कंपेंसेशन अमाउंट में इसे जोड़ने की सिफारिश करेंगे जिससे राज्य सरकार को सहायता मिलेगी। आज तक के कर प्रणाली में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और सर्विस टैक्स, राज्य के अलग अलग टैक्स, उन टैक्स के भिन्न रेट, इन सभी टैक्स में हटा के वन नेशन वन टैक्स प्रणाली जो कि सामान्य जनता के हित में है। ऐसे वन नेशन वन टैक्स प्रणाली का निर्माण करने के लिए पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है और मैं इस बिल को समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।